ज्यादा सहमत नहीं थे। एक तो बताओ, हमको तो पता था भाई किसानों के बिना सहमति के अगर जमीन ली जा तो इसका तो हम तुरंत विरोध कर रहे। इससे तो कोई बात नहीं, हम लोग है जमीन उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण नहीं होना चाहता। अगर कहीं वैसी जमीन हो उसका अधिग्रहण करो, कम से कम किसान की मर्जी के बिना इसकी भूमि। लेकिन टिकैत साहब, सबसे पहले तो यही कहा जा रहा है कि वो भूमि अधिग्रहण की जाएगी जो सरकारी जमीन होगी, उसके बाद जो है फिर उसके बंजर भूमि की जाएगी, अगर जरूरत पड़ी तब एग्रीकल्चर लैंड को अधिग्रहण किया जाएगा। इस बात की तरफ भी तो गौर कीजिए। अरे नहीं, एक तो बताओ, हम विकास में तो बाधा नहीं बनते, हमें कम से कम जमीन हमें भी तो बताओ भाई, जमीन कहीं के लिए क्या, ये यहाँ से कहीं बुच्छड़ खाना लगाने लगे तो उसे थोड़े लगवा देंगे। कम से कम ये तो बताओ भाई, कहीं के लिए जमीन चाह, कितनी जमीन चाह था, किसानों तो सौदा करो उस बात का। चलो ठीक है भाई, किसानों का परता खावे तो वे दे भी देंगे। ये जो दादी लाई चीज है जो हजारों साल से बोते खाते आ रहे उसे, ये जबरदस्ती अगवा इनके किसानों की कुछ मर्जी के बिना, उसमें जो हाईवे है उसमें एक किलोमीटर इधर एक किलोमीटर, मतलब एक बिना मतलब का एक भद्दा मजाक किसानों के साथ में किया जा रहा है। ठीक है जी, देखिए जो बिल है ये जो बिल है एक तरह तो एक बगावत। ठीक है सर, क्या आपको लगता है कि 70% आबादी किसानों की है और पूरी जो अर्थव्यवस्था है भारत की वो कृषि आधारित है, फिर भी जो हमारा जो ग्रोथ है हमारे देश का, वो ग्रोथ जो है उस लेवल को नहीं जा पाया है जो अचीव हम करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का ग्रोथ करना भी जरूरी है, ऐसे में अगर इंडस्ट्री लगती है तो सरकार को जमीनें इसी धरती पे चाहिए जो उनके पास है, जो किसानों के पास है, जो सरकार के पास है, जो बंजर लैंड है, चाहे जो आम लोगों के पास है। तो सहयोग तो इसमें सबको देना होगा, अगर आप एक समग्रित विकास चाहते हैं तो सहयोग सबको करना होगा। क्या नहीं लगता कि आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको हम मिल बैठ करके सुलझाएं, बीच का रास्ता निकालें, बशर्ते कि हम रोड पे जाकर के सीधा विरोध करें इसका। नहीं, हम तो एक तो बताओ, हम विरोध तो नहीं कर रहे किसी बात का। ये तो जमीन काफी जमीन पड़ी, बताओ जी, एक किलोमीटर का ये सारा तरक रहे, सड़क के एक किलोमीटर इधर एक किलोमीटर इधर, रेलवे लाइन पे एक किलोमीटर इधर एक इधर, ये बिना मतलब के ये जो वो बना रहे बात। तो कम से कम जो इंडस्ट्रीज के लिए चाहते हमें तो बताओ भाई, हाँ इस जो जमीन लगाऊंगे साहब, जो जमीन अधिग्रहित की जाएगी यदि, तो फिर आपको मुआवजा भी मिलेगा उस जमीन, वो जिसकी जमीन अधिग्रहित की जाएगी उसको नौकरी भी मिलेगी वहाँ पे। तो जो विकास होना चाहिए जरूरी है कि आप कहीं कुछ नहीं कर रहे। मेरठ में शताब्दी नगर में इन्होंने विकास की बात करी, 700 रुपए मीटर में जमीन लेके और उस जमीन को 30,000 रुपए मीटर में बेच रहे, तो बीच के दलाली क्यों कर रहे हैं जी? ठीक है साहब, लेकिन बीजेपी नेताओं का साफ तौर पर यही कहना है कि ये बिल जो है वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में। हमारे साथ दिनेश दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, आप क्या जवाब देना चाहेंगे टिकैत जी का? देखिए, जो किसान बिल पास हुआ था, उस किसान बिल में पूरे सारे देश के मुख्यमंत्री भी आए थे और किसान यूनियन के लोग भी उसमें थे, सभी लोगों के सहमति से यह बिल पास हुआ था, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। और किसान का जो 2013 का दुकान, किसान की दिनेश जी, किसान की सहमति से कब बिल पास हुआ? किसान के रिप्रेजेंटेटिव कितने हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, ये तो बाद की बात होगी। हमारे साथ ज्योति जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति जी, आप क्या सुन पा रहे हैं? जी वो बिल्कुल सुन पा रहे हैं और काफी मैं आपके डिबेट को मैं सुन रहा हूँ। मैं दो तीन फैक्ट बहुत ही कैटेगोरिकली मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है जो आज राहुल गांधी जी ने उठाया है। ये जब महात्मा गांधी जी भी जब थे तो ये भी किसानों के लिए ही, ये पूरा देश जो आप 67 जो आप 70% बता रहे हैं वो एक्चुअली 67% देश में किसान है। और ये किसान की लड़ाई केवल आज नहीं लड़ी जा रही, ये महात्मा गांधी भी चंपारण से शुरू की थी जब नील की खेती की, आपको अगर याद होगा। आपको मैं बताऊं कि जो 2013 में जो ग्रोथ यूपीए गवर्नमेंट के समय 4.6 थी, आज बीजेपी के एक साल हो गए उसमें 1% ग्रोथ है। आप देखो, जिस समय यूपीए का था जब बुरी हाल हो रहे थे किसानों के, जब उनके फसल और जब उनके सुसाइडी हो रहे थे, तो उनमें 70,000 करोड़ रुपया लोन दिया गया था। अब आप देखो, बीजेपी गवर्नमेंट कॉर्पोरेट टैक्स तो कम कर रही है लेकिन किसानों के लिए क्या कर रही है?
किसानों के लिए इन्होंने क्या बताया। लेकिन साथ में आप जो फैक्ट दे रहे हैं वो तो सही है, लेकिन साथ में ये भी तो फैक्ट है कि किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या आप ही के रिजिम में किया है, कांग्रेस के रिजिम में किया है। जब विदर्भ में जब आत्महत्याएं हो रही थी तो कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में, तो उस बात वो ज्यादा हो रही थी कि कम हो रही थी, मैं उस तुलना में नहीं जा रहा। नहीं जाएंगे, जाना पड़ेगा ज्योति जी, आपको जाना पड़ेगा, वो किसानों की बात है। मुकेश जी, गवर्नमेंट का अप्रोच था कि 70,000 करोड़ उसने भी लोन दिया। आज गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कहती है कि किसी भी इलाके में अगर 70% फसल नुकसान हो जाएगा उस इलाके में, तब वहां पर मुआवजा। आप मुझे बताएं कि किसी किसान को आप 100 रुपया दे रहे हैं, किसी किसान को 50 रुपया दे रहे हैं, किसी किसान को 200 रुपया दे रहे हैं, ये मुआवजा होता है? रविंद्र भाटी जी हैं, रविंद्र भाटी जी आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से किसानों को नुकसान हुआ था और सरकार ने जिस तरीके से मुआवजा बांटे थे, 26 रुपया, 46 रुपया, 102 रुपया, क्या कहेंगे? किसानों का मजाक उड़ा रही है सरकार। बिल्कुल किसानों का मजाक उड़ा रही है, और मैं तो ये अपनी तरफ क्या पूरे किसानों की तरफ से कहना चाहता हूँ कि किसान पूरे देश का पेट भरता है, सबको अन्न पैदा करके देता है, और उसकी रोजी रोटी भी, उसके बच्चों की, उसकी पढ़ाई, वो भी उसी से चलती है। कम से कम इस पे तो राजनीति ना करें, इस पे तो कम से कम उनके बारे में सोचें। अभी की बात ज्योति सिंह जी कह रहे हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, तो क्या आपको लगता है अगर ये इस जरूरत पड़ी तो इस बिल का विरोध करने के लिए जो किसान संगठन है वो कांग्रेस के साथ खड़ी होगी और मिलकर के बीजेपी का विरोध करेंगे आप लोग? हमको इस भूमि अधिग्रहण बिल में जो भी किसान का अहित लगेगा, जिस क्लॉज से भी अहित लगेगा, उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। अब आप ही बताइए मुकेश जी, एक इसमें है 5 साल तक जमीन आपने अधिग्रहण कर ली और 5 साल तक उसका कोई उपयोग नहीं हुआ, उसका क्या करेंगे, किसके लिए रोक के रख रहे हैं आप बताइए? कॉर्पोरेट के लिए रख रहे हैं, नहीं रख रहे? या तो आप उसको वापस कर दो किसान को, अब आप 5 साल रखने के बाद भी उसको वापस नहीं होगी, इसमें किसका फायदा है? भाटी जी, इसमें ये भी तो बात है, अगर वापस कर भी दें हम, अगर चाहे इंडस्ट्री लगाएं या ना लगाएं, लेकिन जरूरी तो हम इस बात को बिल्कुल हम भी सपोर्ट नहीं करते हैं कि आप अधिग्रहित कर रहे हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए और 5-5 साल तक आप उस पर काम नहीं शुरू करते, तो निश्चित तौर पे सरकार को इस बात को भी देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये पुरानी बात है, अब सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है कि अगर जमीन अधिग्रहित की जाए तो उस पर एक समय फ्रेम के भीतर ही जो उस पर डेवलपमेंट के कार्य भी हो। फिलहाल हमारे साथ ज्योति सिंह जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति सिंह जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, रचना हमारी सहयोगी हमारे साथ में है। रचना जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लगातार जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार किसान की जो बर्बादी हो रही है, किसान की जो आत्महत्याओं का सिलसिला है जो वो बदस्तूर जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार लाख दावे जरूर करे लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो शायद नजर नहीं आती है। हम सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां पर दिनेश दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं और नावेद सिद्दकी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम लगातार चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिनेश दुबे जी, अगर बात करें किसानों के हित की, तो मुआवजा, ये कहा जाता है कि मुआवजा जो है लाखों करोड़ों रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया जाता है, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से हो, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही नजर आती है। चेक बांटे जाते हैं 75 रुपए के, 200 रुपए के, 100 रुपए के, आखिरकार ये किसानों के साथ मजाक ही तो है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सरकार ने 100 रुपया, 75 रुपया के जो चेक बांटे हैं वो निंदनीय है। किसानों के साथ क्रूर मजाक, किसानों के साथ क्रूर मजाक है, किसानों के साथ हंसी उड़ा रही है सरकार, या अखिलेश की सरकार किसान हितैषी नहीं है, किसान विरोधी है, इसलिए यह सरकार, यह सरकार से किसानों का विश्वास भरोसा हो चुका है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो भूमि अधिग्रहण बिल है वो मोदी जी का किसान के हित में है, और मोदी जी प्रत्येक दिन किसानों के हित की चिंता करते हैं। जी, आपकी बात से अगर हम सहमत भी हैं, तो अगर इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि लगातार किसानों के हित की बात कही जाती है, किसानों के साथ खड़े रहने की बात की जाती है, प्रदेश के, देश के एक एक नागरिक के साथ खड़े होने की बात की जाती है, लेकिन जब भारी ओलावृष्टि हुई, बरसात हुई, किसानों की फसल एकदम चौपट हो गई, तब क्यों नहीं नरेंद्र मोदी खुद किसानों से मिलने गए, क्यों विदेशी दौरे पर वो पहुंच गए? आखिरकार इस बात को लेकर भी सवाल चारों तरफ से उठ रहे हैं। देखो, इस घटना की जानकारी नहीं थी, यह घटना जैसे ही मोदी जी विदेश से चिंतित हुए और सारे मंत्रियों को सर्वे के लिए भेज दिए, पूरे देश में सारे मंत्री गए, सर्वे किए, सर्वे की रिपोर्ट लेकर आए, 60,000
मोदी जी चिंतित भी दिखे और उन्होंने राज्य सरकारों को निर्देश भी दिए कि मुआवजे सही से बांटे जाने चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि लोकसभा में तो आपकी मेजोरिटी है, वहां से आप अपने अध्यादेश को पास भी करा रहे हैं, लेकिन क्या राज्यसभा में जो मेजोरिटी आपकी नहीं है, अल्पमत में है वहां पे है, तो क्या विपक्ष को साथ लेने के लिए जो रणनीति बनाई जा रही है, कब तक लगता है कि ये बिल जो है क्या इस सत्र में, मौजूदा सत्र में जो है बिल आप पास करा लेंगे, इस तरह की कोई बातचीत हो रही है? देखिए, हमने सुझाव मांगे हैं, मोदी जी ने सभी सभी से सुझाव मांगा है, सारे मुख्यमंत्रियों से बात की है, जितने किसान यूनियन है उनसे भी बात की है, अगर कोई सुझाव देना चाहता है हमारे भूमि अधिग्रहण बिल में कोई कमी है तो सुझाव दे और सुझाव सबका आ जाएगा, हम बिल पास कर देंगे, हम बिल के साथ है और पूरा बिल किसान का विकास का है, किसानों के हित का है और किसान का विकास कैसा हो इसको किसी की चिंता नहीं है। दिनेश जी, यही तो बात है, बिल की जो दिनेश जी बिल में खामियां भी हैं, खूबियां भी हैं, लेकिन खामियां जनता के बीच में विपक्ष जो है काफी एग्रेसिव तरीके से पहुंचा रही है, लेकिन बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं इस बात में असफल हो रहे हैं, या कहें जो अपनी बात को जनता तक, जो बिल की जो खूबियां हैं उस खूबियों को पहुंचाने में कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता असफल हो रहे हैं, और यही बीजेपी की चिंता है और जो मोदी जी की भी चिंता है जो उस दिन उन्होंने जाहिर की थी। हमारे साथ भाटी जी हैं। भाटी जी, क्या लगता है सही में आप जिस तरीके से बिल के एक पक्ष की बात कर रहे हैं, क्या आपको कोई खूबी नजर नहीं आती है इस बिल में, या जो 2013 का बिल था और 2015 का जो बिल था, अगर आप कंपेयर करते हैं आप दोनों के बिलों में, तो आप क्या दोनों बिलों की खामियों और खूबियों के बारे में कुछ बता सकते हैं? 2013 का भूमि अधिग्रहण बिल था, उसमें किसान के पक्ष ज्यादा रखे गए, अच्छी तरह रखे गए हैं और उनसे पूछ के रखे गए हैं, और जो ये केवल 30% लोगों का बिल है, 70% लोगों का बिल से नहीं कह सकते। मैं आपको एक ताजा उदाहरण दूंगा, अभी महोबा जिले में कल परसों ही टीवी पर शायद चल रहा था न्यूज में कि एक किसान की मृत्यु, उसका बैंक वाले ट्रैक्टर लोन पे ले रखा था, वो उसके पैसे नहीं दे पाया। भाटी साहब, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ किशनवीर चौधरी किसान नेता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। किशनवीर चौधरी जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वंदे मातरम में। नमस्कार जी। किशनवीर जी, आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से भूमि अध्यादेश सरकार लेकर आई है मोदी सरकार, और 2013 के भूमि अधिग्रहण बिल की बात की जाए, तो आप किस बिल से सहमत हैं, आप किसके साथ हैं? देखिए, सवाल है देश के विकास का, किसान के अधिकार का, दोनों चीजें हैं। किसान और उद्योग दो पहिए हैं एक गाड़ी के, हमको बैलेंस रास्ता अपनाना होगा, और स्थिति ये है कि किसान को भी सहभागी और सहयोगी लेना होगा, क्योंकि किसानों के लिए भी सड़कें भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, डैम भी चाहिए, और बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ किसान का उसका हक जो है, उसमें जो उसकी मर्जी है, सरकार उसको साथ लेके क्यों नहीं, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें सवाल वो नहीं है कि 60% है, 70% है, 80% है, सवाल ये है कि विकास चाहिए, और देश को पूरी तरह हमने आयात पर निर्भर अगर हम बनाएंगे, 41% नौजवान इस देश का है जो कृषि घाटे का सौदा हो गई है, वो खेती से बाहर आना चाहता है, तो उसको बाहर लाने के लिए हम कहाँ ले जाना चाहते हैं? हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री तो प्रमोट करनी पड़ेगी, देश के डेवलपमेंट के लिए भी, किसान के भले के लिए भी, लेकिन किसान को उसकी जमीन का उचित मूल्य दिया जाना चाहिए। देखिए, एक उदाहरण तब तक की जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि पहले इस देश में 5 लाख हेक्टेयर भूमि का जो अधिग्रहण किया गया, वो लूट मचाई यूपीए की सरकार ने जिस तरह से, और वो कौड़ियों के दाम पर जो है वो किया गया, कहीं मुआवजा किसानों को नहीं दिया था यूपीए की सरकार में, जितने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर और तमाम भूमि अधिग्रहण हुई वो लूटा गया था, और उस लूट की वजह से किसान त्रस्त रहा है। अब तो परिस्थितियां और बहुत हैं जी चौधरी साहब, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं यूपीए और एनडीए के बीच किसान पिस चुके हैं, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर किसान के ऊपर पूरी तरीके से राजनीति हो रही है भूमि अधिग्रहण बिल की आड़ में? पूरी तरह से भूमि अधिग्रहण के नाम पर कांग्रेस राहुल गांधी को जो निर्वासन कर दिया गया था उसको स्थापित करने के चक्कर में लगी है, ये पूरा राजनीति का ढोंग है।
जो उनका कारपोरेट का एजेंडा था, उन्होंने पूरी लूट मचाई 10 सालों तक, और किया क्या उन्होंने है? और उस लूट के लिए आज वो क्या सफाई देना चाहते हैं? इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? इन्होंने किसानों को सिवाय बर्बादी के दिया क्या है? अगर आज किसान इस दुर्गति में है और किसान कर्जे में मर रहा है, तो उसके लिए वो शासक जिम्मेदार नहीं है क्या, जिन्होंने शासन किया इसलिए लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस की नीतियों की वजह से आज किसान बर्बाद है? जो रॉ शुगर का इम्पोर्ट करवाया था कांग्रेस ने, आज 19,377 करोड़ का पिछले साल का बकाया हो गया है, और 1690 करोड़ का पहला 21,000 करोड़ का अकेले उसका बकाया, सिर्फ एक रॉ शुगर का इम्पोर्ट खोल देने से। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अब तक जो किसानों की जो दुर्दशा है उसके लिए कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस जिम्मेदार है। लेकिन जिस तरीके से राजीव जी आप बता रहे थे कि किसानों के साथ धोखा हो रहा है, जो इंडस्ट्री और जो एग्रीकल्चर है दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, आपको नहीं लगता है कि मौजूदा सरकार जो मोदी की है उनको इस बात को किसानों के बीच में रखने के लिए, कन्वे करने के लिए एक सूचना तंत्र या एक इस तरीके का पैसेज बनाना चाहिए जिससे किसानों तक ये बात पहुंचे? क्योंकि अभी जितने भी लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, मुझे यही लग रहा है कि किसानों के बीच में वो चीजें बिल्कुल जा नहीं पा रही है जिस तरीके से आप कन्विंस कर रहे हैं लोगों को, काफी कन्विंसिंग है आपके इस लॉजिक से। अगर ये बात सरकार की तरफ से किसानों के बीच में जाए तो मुझे लगता है बीच का रास्ता निकल सकता है। मेरा कहना यह है कि सरकार में एक दिक्कत क्या होती है कि जो लोग नीति तय करते हैं उन्हें इस देश के किसानों की हकीकत का ज्ञान नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि नेशनल लैंड यूज डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए, और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। उसमें तय हो जाना चाहिए कि हमको एग्रीकल्चर के लिए कितनी एक परमानेंट सेटअप, हमको एक अथॉरिटी इसके लिए बना देनी चाहिए तत्काल, और वो 6 महीने के अंदर ये तय कर दे कि हर देश के हर जिले के अंदर कितना एग्रीकल्चर आवश्यक है, कितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहिए, कितना रेजिडेंशियल चाहिए, कितना कमर्शियल चाहिए। बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, कोई सेटअप हमारा है नहीं, कोई प्लानिंग हमारी है नहीं। हमने पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर लाखों एकड़ जमीन को लूटा, और कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना एम्प्लॉयमेंट हुआ, कुछ नहीं। 75% जमीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर। कृष्णवीर जी, आपने एक आखिरी सवाल, एक छोटा सा जवाब आप जानना चाहेंगे, आगे की रणनीति किसानों की क्या होगी? पड़ी है उस पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करिए, उसके बाद जो सरकार की लैंड है उस पर करिए, उसके बाद जो वेस्ट लैंड है, बंजर भूमि है, उस पर करिए, और लास्ट चॉइस जो है, मैं इस बात से सहमत हूं सरकार की, प्रधानमंत्री की खासतौर से, कि उन्होंने कहा कि कृषि की जो बहुफसली भूमि है वो लास्ट चॉइस होगी। तो ऐसी बात नहीं है कि किसानों को डेवलपमेंट नहीं चाहिए, किसानों को बिजली नहीं चाहिए, किसानों को सड़क नहीं चाहिए, किसानों को डैम नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। आखिर कब तक उनको पिछड़ा और बैकवर्ड रखोगे? जिस तरीके से खेती इतना बोझ अब ढोने की स्थिति में नहीं है जितनी आबादी बढ़ रही है। खेती पर एक व्यक्ति को निर्भर होना चाहिए एक परिवार में, दूसरे लोगों को दूसरे जॉब देने के लिए सरकार को नीति अपनानी पड़ेगी। जी कृष्णवीर जी, ऐसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से दर्शकों से अपील करना चाहूंगी कि आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय इस कार्यक्रम के जरिए लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें SMS भी कर सकते हैं, अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है वंदे मातरम इस कार्यक्रम में, बताइए क्या है आपकी राय इस प्रोग्राम को लेकर और इस टॉपिक को लेकर? जी मैडम, मेरा कम से कम 48 एकड़ जमीन है जिसकी चेक अभी तक 220 रुपये आई हुई है, जो 2 महीने हो गए आज तक कभी वो बैंक में जाते जाते हो जाता है, अभी पैसे नहीं आए, अभी ये नहीं हुआ, ये सारी चीजें मिलती हैं, अभी खाते में आपके पैसे नहीं आया, ये सब हो क्या रहा है? किसानों के साथ अपना माल बेचने जाते हैं, गेहूँ है तो वो भी उसमें कहते हैं इसमें मिलावट है, ये उसको 10% मिलेंगे, 15% मिलेंगे। बिल्कुल, ये राहुल से हमीरपुर से जो अपनी समस्या बता रहे थे, राहुल की तरह और से बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके साथ इस तरह की सिमिलर समस्या है। हम अपने PCR को कहेंगे कि यदि हमारे जो नंबर्स हैं उस नंबर से यदि मेल आ रहे हैं, SMS आ रहे हैं, तो वो भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। तो एक वर्चुअल नंबर हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, उस नंबर पे आप SMS करके सीधे अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है vmsadhana@gmail.com, इस पे भी आप अपनी राय रख सकते हैं, और सीधे फोन लाइन जो TV स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं आपको, उसके जरिए आप सीधे हमसे भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। भाटी जी, जिस तरीके से कृष्णवीर जी कह रहे थे कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की जरूरत है, सरकार को जिले स्तर पर यह तय कर देना चाहिए कि कितनी जमीनें जो हैं वो इंडस्ट्री के लिए चाहिए, कितना जमीन एग्रीकल्चर के लिए चाहिए और कितना जमीन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए, कैसा आपको लग रहा है? क्या ये इस फॉर्मूले पे चलना चाहिए? कृष्णवीर जी की बात से सहमत है, इंडस्ट्री भी लगनी चाहिए
लेकिन वो तय हो, पता हो हमें कि ये जमीन इंडस्ट्री के लिए ली जा रही है। यहाँ क्या हुआ, पीछे नोएडा के अंदर इंडस्ट्रीज के लिए जमीन ली गई और बिल्कुल हरपाल सिंह को दे दी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक दर्शक हापुड़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी बताएं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ बताएं, सुनने आपको तो बताइए क्या कह रहे हैं। मेरी क्रेडिट कार्ड की समय से पहले वो आरसी काट दी गई और अमीन लथलियों फिर है और बहुत पैसा जमा कर दिया और अभी और ब्लड डंडा लियो फिर सरकार कह रही है ढील दो और ब्याज माफ कर दो इनका। चलिए तो हम आपकी इस बात को जहां हमारे चैनल के जरिए बात जो है और लोगों तक पहुंच रही होगी और सरकार का कोई अगर शख्स अगर देख रहा होगा तो उन तक भी ये बात पहुंच गई होगी और हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी बात वहां अथॉरिटी तक पहुंचा दी जाए। फिलहाल हम बताते हैं जी भाटी, बताएं भाटी जी क्या बता रहे थे आप। जी इंडस्ट्री लगनी चाहिए, किसानों को बच्चों को रोजगार मिले, उनका ये जो ओला या बरसात हो रही है उस पर निर्भर ना हो। वो एक स्थिति ऐसी है कि यदि मेहरबान होगी बारिश तो सारा नष्ट हो जाता है, पूरे साल का उनका जो भी उनका इनकम होती है। तो इसमें इंडस्ट्री लगनी चाहिए लेकिन उसके लिए तय हो, मापदंड हो। अब ये परसेंटेज हो कितने परसेंट में इंडस्ट्री लगेगी, इतने में ग्रुप हाउसिंग, इतने कॉमर्शियल। यहाँ क्या है, ग्रुप हाउसिंग पे ज्यादा जोर है और इंडस्ट्री पे जोर है ही नहीं किसी का भी। भाटी जी फिर आपको रोकना चाहिए, एक दर्शक फतेहपुर से रतन लाल जी जुड़ गए हमसे। हाँ जी रतन लाल जी बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। आवाज नहीं आ पा रही है क्लियर, कुछ तकनीकी खराबी है उसके अंदर। भाटी जी से चर्चा आगे बढ़ाएंगे। भाटी जी जिस तरीके से हम लोग चर्चा कर रहे हैं नंदीग्राम और सिंगूर की अगर बात करें, वहां पे भी भूमि अधिग्रहण को लेकर के काफी बवेला हुआ था, काफी हंगामा मचा था और वहां से इंडस्ट्री जो टाटा वहां अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहती थी वो वहां से उनको जाना पड़ा, दूसरी जगह जाकर के उन्होंने प्रोजेक्ट लगाया। टाटा तो अपना प्रोजेक्ट दूसरी जगह लगा करके जो मुनाफा उनको कमाना था वो तो कमा रही है, लेकिन सिंगूर और नंदीग्राम की हालत जो है आज वैसी ही है जैसा वो पहले थी। विरोध के बाद क्या मिला, नंदीग्राम को क्या मिला, सिंगूर को क्या मिला? उनकी जमीनें तो उनके पास रह गई लेकिन क्या वहां गरीबी दूर भी, क्या जो कृषि के जरिए जो है उनका भला हो पाया, हम इस पे आपसे जवाब लेंगे। लेकिन पटना से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक जी। अशोक जी बताएं। ये आप लोगों की बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, सब पार्टी के लोग लगे हुए हैं, एक बात समझ में अभी तक नहीं आया, ये जो मोदी सरकार कर रही है बड़े अच्छे ढंग से हम लोगों ने इनको जिताया था, ये जो पिछला कानून बना और अब जो बना है जो आप लोग टीवी में दिखाते हैं, किसानों को किसी भी परिस्थिति में कानून के दायरे में नहीं आना है। अगर हमारी जमीन को जबरदस्ती ली जा रही है जी, या सरकारी अधिकारी गलत कर रहे हैं तो हम लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो ये तो सीधे सीधे मेरे अधिकार का हनन हुआ ना। मैं बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बिल की आधी अधूरी बात है जो आप तक पहुंची है। मुझे लगता है कि बिल को आप अगर जब पूरा पढ़ेंगे तो आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास समय की कमी है। मुकेश आप मैं रुकना चाहूंगी, चलते चलते न्यूनतम समर्थन मूल्य की हम बात कर रहे हैं तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताना चाहेंगे कि कितना समर्थन मूल्य अब तक किसानों को मिलता है। एक बार फिर से आपको बताएंगे कि समर्थन मूल्य का जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, साल 2012-13 की बात की जाए तो धान 1360 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, वहीं अगर कॉटन की बात की जाए, कॉटन या कपास की बात की जाए 3750 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं गन्ना 220 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 2012-13 का न्यूनतम समर्थन मूल्य रहा है। लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भी चर्चा होती रही है। 2013-14 की बात करें तो 1350 रुपए प्रति क्विंटल धान मिलता रहा है, जबकि गेहूं की बात करें तो 1400 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं कपास 3750 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं गन्ना 210 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य रहा है। समर्थन मूल्य को लेकर भी राजनीति अक्सर होती आई है और कहीं ना कहीं किसान भी पिसते रहे हैं समर्थन मूल्य को लेकर। बिल्कुल, तो फिलहाल ये समर्थन मूल्य की बात कर रहे थे, हालांकि अधिग्रहण बिल से इसका कोई सीधा लेना देना नहीं है, हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास समय की कमी है, हम अपने प्रोग्राम को यहीं खत्म कर रहे हैं। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे ईमेल के जरिए आप लिख सकते हैं, भेज सकते हैं हम तक, अड्डू SMS के जरिए भी जो है आप हमें भेज सकते हैं अपनी राय, और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय हम तक जरूर दें। फिलहाल इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए अपने तमाम दर्शकों और तमाम जो हमारे मेहमान हैं जो स्टूडियो में लखनऊ से हमारे साथ जो जुड़े थे वो, और भाटी साहब, रविंद्र भाटी साहब जो हमारे दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े, उन तमाम दर्शकों और तमाम मेहमानों को हम
स्वागत करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार। क्लीन वाइप्स से जो ऑयल मार्क्स को भी हटाए और चश्मा बनाए स्पॉटलेस क्लीन, और मोबाइल स्क्रीन भी हो ऑल क्लीन। ऑल क्लीन वाइप्स से साफ करके नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देवभूमि उत्तराखंड, चार धामों की पुण्य धरती, श्री गंगोत्री, श्री यमुनोत्री, श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ के दर्शनों के लिए आने वाले यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार है। 21 अप्रैल से शुरू होने वाली चार धाम यात्रा अब नए सुगम सुरक्षित रास्तों के साथ पहले से अधिक सुरक्षित हुई है। मूलभूत यात्रा सुविधाओं की मौजूदगी के साथ ही यात्रियों का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन भी उत्तराखंड सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया है। राज्य सरकार ने अनूठी पहल करते हुए मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना के अंतर्गत इस वर्ष राज्य के 25,000 बुजुर्गों को चार धाम यात्रा निःशुल्क कराने का बीड़ा उठाया है। यही नहीं, उत्तराखंड यात्रा में आने वाले सैलानियों और तीर्थ यात्रियों के लिए हिमालय दर्शन योजना आरंभ की गई है, जिसमें हेलीकॉप्टर के द्वारा श्री बद्रीनाथ व श्री केदारनाथ के दर्शनों के साथ ही गढ़वाल एवं कुमाऊं के दिलकश नजारों का भी लुत्फ उठाया जा सकता है। देवभूमि में आपका स्वागत है। हम सब ने इस वर्ष प्रयास किया है कि आपकी यात्रा सुगम हो सके, सुरक्षित हो सके और आप सब तीर्थ स्थानों के दर्शन का भरपूर लाभ उठा सकें। मैं आप सबको फिर से चार धाम यात्रा के लिए आमंत्रित करता हूँ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रियंका भारती? हाँ। ए शारदा, विमल, हरियाल, सब इधर आओ। ये प्रियंका बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहां सोच वहां शौचालय। ये सब नहीं, अब साफ करें ऑल क्लीन वाइप्स से जो ऑयल मार्क्स को भी हटाए और चश्मा बनाए स्पॉटलेस क्लीन, और मोबाइल स्क्रीन भी हो ऑल क्लीन। ऑल क्लीन वाइप्स से साफ करके नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। देवभूमि उत्तराखंड, चार धामों की पुण्य धरती, श्री गंगोत्री, श्री यमुनोत्री, श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ के दर्शनों के लिए आने वाले यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार। 21 अप्रैल से शुरू होने वाली चार धाम यात्रा अब नए सुगम सुरक्षित रास्तों के साथ पहले से अधिक सुरक्षित हुई है। मूलभूत यात्रा सुविधाओं की मौजूदगी के साथ ही यात्रियों का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन भी उत्तराखंड सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया है। राज्य सरकार ने अनूठी पहल करते हुए मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना के अंतर्गत इस वर्ष राज्य के 25,000 बुजुर्गों को चार धाम यात्रा निःशुल्क कराने का बीड़ा उठाया है। यही नहीं, उत्तराखंड यात्रा में आने वाले सैलानियों और तीर्थ यात्रियों के लिए हिमालय दर्शन योजना आरंभ की गई है, जिसमें हेलीकॉप्टर के द्वारा श्री बद्रीनाथ व श्री केदारनाथ के दर्शनों के साथ ही गढ़वाल एवं कुमाऊं के दिलकश नजारों का भी लुत्फ उठाया जा सकता है। देवभूमि में आपका स्वागत है। हम सब ने इस वर्ष प्रयास किया है कि आपकी यात्रा सुगम हो सके, सुरक्षित हो सके और आप सब तीर्थ स्थानों के दर्शन का भरपूर लाभ उठा सकें। मैं आप सबको फिर से चार धाम यात्रा के लिए आमंत्रित करता हूँ।
मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। राहुल गांधी ने लोकसभा की कार्रवाई के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में किसानों की अनदेखी की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि